उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम ने केंद्रीय मंत्री के काम की भी खूब तारीफ की। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्हें देश भर के दिग्गज नेताओं की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गयी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मंत्री प्रहलाद जोशी जी को जन्मदिन की बधाई। वो कोयला और खनन क्षेत्रों को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो संसदीय कार्यवाही को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रयास भी कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर प्रहलाद जोशी ने लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाएं संदेश से मैं अभिभूत हूँ। आपके नेतृत्व में काम करना मेरे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत रहा है। साल 1962 में जन्मे प्रहलाद जोशी मौजूदा समय में कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ वो पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। दिलचस्प तो ये है कि इसी धारवाड़ में 90 के दशक में प्रहलाद जोशी बीजेपी महासचिव की भूमिका में रहे हैं। बाद में धारवाड़ बीजेपी अध्यक्ष और फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक पहुँचे प्रहलाद जोशी आज संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ केंद्रीय कोयला मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और प्रहलाद जोशी को ही कोल सेक्टर में बड़ा सुधार करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। बढ़ती ऊर्जा मांग के मद्देनजर कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उनके ही नेतृत्व में कई अहम कदम भी उठाए गए। हालांकि कोयले की बढ़ती मांग के बावजूद मंत्रालय ने यह तय किया कि कोयला जायज दाम में मिलता रहे।